हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बेबी फ्रॉक बना रही हूँ जो हम अनारकली स्टाइल में बनाएंगे। और ये हम 5 साल की बेबी के लिए बना रहे हैं, जिसके लिए हमने मेजरमेंट लिया है। चेस्ट 25 इंच, वेस्ट 22 इंच, शोल्डर 10 इंच, वेस्ट लेंथ 10 इंच, और जो फुल लंबाई है वो 25 इंच रखेंगे। हम इसमें चेस्ट का फोर्थ भाग रखेंगे, वेस्ट का फोर्थ भाग रखेंगे। तो हमारा 25 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 6.2 आएगा, और 22 को डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा। और जो फुल लेंथ है हमारी वो 25 इंच है, तो इसमें से हम 10 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा 15 इंच आएगा, नीचे का जो घेर होगा। तो पहले हम आपको ड्राफ्टिंग करके बताएंगे। इस तरह हमने अपनी ऊपर की चोली की ड्राफ्टिंग पर निशान लगा लिए हैं। यहाँ से जो इसकी लेंथ रखी है वो 10 इंच रखी है, और ये शोल्डर हमने 5 इंच रखा है, आर्म होल 5.5 इंच रखा है, और यहाँ से हमने अपनी चेस्ट का फोर्थ भाग रखा है 6.2, और यहाँ पर अपनी वेस्ट का फोर्थ भाग रखा है 5.5, और नेक हमने अपनी चेस्ट का 12वां भाग रखा है 2 इंच, और यहाँ से 2.5 इंच रखा है, और फिर ये गोलाई कर दी है, और यहाँ पे हल्की सी शेप की है हमने। अब इसकी पहले कटिंग कर लेंगे। अब नीचे की घेर के लिए हम जो एक कली कट करेंगे, अब हमें जितनी हमारी वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जितनी कलियाँ रखनी है उसको डिवाइड करेंगे, और अपनी कली ऊपर से उतनी ही रखेंगे। जैसे जैसे हमारी ये हमने वेस्ट रखी है 22 इंच, तो 22 इंच में हम 2 इंच प्लस कर देंगे, 22 में 2 इंच प्लस, तो हो गया है हमारा 24 इंच। 24 को हम डिवाइड करेंगे, अगर हम इसमें 12 कली डालेंगे 12, तो हमारी एक कली आएगी 2 इंच की ऊपर से यहाँ से, और जो घेर है वो हम अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये हमने 2 इंच पर निशान लगाया है, और सिलाई के लिए हमें मार्जिन रखना है 1/2 इंच। ये सिलाई के लिए हमने मार्जिन रख लिया है, तो टोटल जो ऊपर की हमारी कली होगी वो 2.5 इंच की है। अब हम इसको नीचे से फ्लेट के अकॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ पर हमने 7 इंच रख लिया है, और तो इसको हम इस तरह यहाँ से मिला देंगे। तो ये कली हमारी कुछ इस तरह आएगी, यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ पर ऐसे। आपको जितना भी ज़्यादा फ्लेयर रखने हो तो आप ये नीचे से इसका घेर बढ़ा सकते हैं। अब हमने ये कली अपनी कट की है, और एक कली हमें यहाँ पर सिंपल डालनी होगी, यानी कि बिना इसकी कटिंग के। उसको हम किस तरह कट करेंगे ये बता दें। कली हम किस तरह निकालेंगे, जैसे हमने ये वाला घेर लिया है 7 इंच, तो यहाँ पर भी हमने 7 इंच पर एक लाइन तैयार कर दी है, और इसके सेंटर में एक लाइन बनाई है, और फिर हमने यहाँ पर 2.5 इंच रखा है, ये यहाँ पर 2.5 इंच रखा है, तो यहाँ पर भी हमने 2.5 इंच रखा है, हाफ इस साइड हाफ इस साइड।
अब हम इसको मिला देंगे। और ये वाली जो हमारी कली है वो एक साइड से सीधी है और एक साइड से रेब वाली है। तो जब हम जॉइंट करेंगे तो इसको सेंटर में रखेंगे और ये रेब वाली इसके साथ सीधी जॉइंट करेंगे और इधर भी सीधी जॉइंट करेंगे और फिर हमारी जो बाकी की कलियाँ हैं वो हम एक सीधी और एक रेब वाली जॉइंट करते जाएंगे। तो हमें जो कली कट करनी है वो इस तरह कट करनी है। फ्रॉक बनाने के लिए हमने फैब्रिक लिया है 2 मीटर, 1 मीटर ये लिया है और 1 मीटर ये प्लेन लिया है। तो पहले हम इसमें से कलियाँ कट करेंगे। ये हमारा डबल फैब्रिक है तो हम दो दो कलियाँ पर निशान लगा लेंगे। इस तरह हमने निशान लगा लिया है 1, 2 और 3 यानी कि 6 कली। तो 6 कली हमारी ये है और 6 कली हम इसमें से निकालेंगे। जो हमारा ये दूसरा पीस है इसको भी रखेंगे इस तरह। ये हमने 2 कलियां कट की है फ्रंट और बैक के लिए तो इसको हम अलग ही रखेंगे क्योंकि जब ज्वाइंट करेंगे तब हम यहाँ से इसको उठाएंगे। अब 4 कलियां में ये कट करनी है। और 4 कली हमारी ये हो गई है यानी कि टोटल हमारी ये 6 हो गई है और टोटल हमारी ये येलो कलर की 6 हो गई है। दोनों मिलाकर टोटल 12 कलियाँ हमारी तैयार हो गई है। इसको साइड में रखेंगे और अब चोली कट करेंगे। फैब्रिक को हमने 4 तह में फोल्ड कर लिया है। अब हम अपनी ड्राफ्टिंग रखेंगे, नेक बंद की साइड रखेंगे। इस तरह हमने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं। चोली की जो हमने कटिंग की थी ड्राफ्टिंग, इसमें हमने मार्जिन नहीं रखा था तो हमने यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन रखा है, यहाँ पर 1/2 इंच का रखा है, यहाँ पर 1/2 इंच का रखा है, यहाँ पे 1/2 इंच से थोड़ा कम रखा है और नीचे 1/2 इंच रखा है। ये नेक बैक का है और ये फ्रंट का। और यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है फिटिंग का, इसमें कट लगाएंगे। बैक का पोर्शन हमने ये ओपन कर दिया है, अब इसको रखेंगे साइड में। अब हम अपना ये वाला पीस लेंगे ड्राफ्टिंग वाला और इसमें जैकेट के लिए निशान लगाएंगे क्योंकि ये फ्रॉक हम जैकेट वाली बना रहे हैं।
इस तरह हमने जैकेट के लिए निशान लगाया है। यहाँ पर हमने नेक्स पे यहाँ पर हाफ इंच लिया है और जो आर्म होल की लाइन है यहाँ पर 1 इंच की कर दी है ये, और इसका जो सेंटर है वहाँ पर 1 इंच रखा है, और जो ये नीचे का पोर्शन है यहाँ 1 इंच रखा है। फिर इसको इस तरह हमने सबको मिला दिया है जो जो हमने निशान लगाए थे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी जो जैकेट हम कट करेंगे उसका पीस है। ये वाला फैब्रिक लेंगे और इसको डबल करेंगे। इस तरह हमने इसके 2 पीस कट किए हैं, और जिस तरह हमने अपनी चोली में एक्स्ट्रा लिया था फैब्रिक वो इसमें भी एक्स्ट्रा रखा है, यहाँ पर 1 इंच नीचे नीचे ये 1/2 इंच। और ये हमारी जैकेट इस तरह आएगी। इसका हम अस्तर कट करेंगे। इस तरह हमने ये अस्तर कट किया है ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब सबसे पहले हम अपनी कलियां ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहले हम जो हमने सेंटर के लिए कली कट की थी वो ली है हमने, और 2 येलो कलर की लेंगे। और रेबवा के साथ इसको सीधा ज्वाइंट करेंगे। ये हमारा सीधा पोर्शन है और ये रेब वाला है, तो इसको इसके साथ यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। अब ये वाला हमारा रेब वाला पोर्शन है, तो इसके साथ हम ये सीधी ज्वाइंट करेंगे। इस तरह हमने ये 5 कलियां ज्वाइंट की हैं। अब 1 कली और ज्वाइंट करेंगे, 6 कली। छह कलियां ज्वाइंट कर ली है और हमारा ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लग रहा है। इसी तरह हम अपनी जो 6 कली हमारी और बची है उनको ज्वाइंट कर लेंगे। सेंटर में हम यही वाली कली लगाएंगे और उसके दोनों साइड दूसरी दूसरी कलियां। इस तरह हमने अपने ये दोनों पीस तैयार कर लिए हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने ये अलग अलग कलियाँ डाली हैं और इसको हमने 2 पीस में तैयार किया है फ्रंट और बैक के लिए, तो हमारी ये कलियाँ कलर के अकॉर्डिंग ही आए। जैसे अब ये वाली इसके साथ आ गई लास्ट में, और ये वाली इसके साथ आ गई, तो हमारी सारी कलियाँ नंबर वाइज आई हैं, येल्लो प्रिंटेड। अब इसको रखेंगे हम साइड में और अपना बैक पीस लेंगे और इसमें बैक साइड नेक की साइड पट्टियां सेट करेंगे। इस तरह हमने यहाँ पर ये दोनों पट्टी सेट की है और इनको फोल्ड कर लिया है। एक को हमने ज़्यादा फोल्ड किया है और एक को कम फोल्ड किया है, और ये पट्टी हमने 2 इंच की ली थी। जो हमने ये कम फोल्ड किया है इसको हम बढ़वा पट्टी बनाएंगे, यानी कि
आई वाली पट्टी और ये हुक वाली पट्टी, ये अंदर जाएगी। तो ये सिलाई को हम अपनी साइड करेंगे और इसके ऊपर ये रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। अब ये जो बढ़वा पट्टी है और ये जो अंदर फोल्ड की है, इसके ऊपर इसको रखेंगे और जितना नेक हमें ओपन रखना है उतना हम छोड़ देंगे, बाकी में सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर ये हमने इतना ओपन रख लिया है जिससे नेक आराम से इसके अंदर आ जाए। और जो ये एक्स्ट्रा पट्टी है ये हम नेक की गोलाई में ही कट करेंगे। और जो ये हमने एक्स्ट्रा पट्टी रखी है ये सीधे हाथ की साइड रखी है और ये हमने उल्टे हाथ की साइड रखी है। अब हम इसकी जैकेट तैयार करेंगे। ये हमने जैकेट का एक पीस लिया है, इसको अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे सीधी साइड। और जो ये नेक वाली गोलाई है इस पे हम सिलाई लगा देंगे यहाँ तक। इसी तरह हम अपना दूसरे वाला पीस तैयार करेंगे और फिर इस पर आयरन कर लेंगे। इस तरह हमने यहाँ पर अस्तर सेट कर लिया है और आयरन से इसको सेट कर लिया है। अब हम इसको अपने फ्रंट पोर्शन में जॉइंट करेंगे। तो अपना फ्रंट पोर्शन लेंगे और एक पीस ऐसे रखेंगे, यहाँ जो हमारे आर्म होल है इसको मिला देंगे। और हमने ये एक पट्टी तैयार की है कंट्रास्ट में, जैसे यहाँ पर हमारे बहुत सारे कलर हैं तो इसमें नेवी ब्लू है, तो इसलिए हमने कंट्रास्ट में पट्टी ली है और इसको हमने तैयार किया है जैसे हम अपनी डोरी तैयार करते हैं 22 ग्रेन की पट्टी कट की और इसको ज्वाइंट करके इसकी डोरी टाइप बना लिया है, ये थोड़ा चौड़ा बनाया है। इसको हम यहाँ रखेंगे। ये पट्टी लगाने से हमारे फ्रॉक का गेटअप और बढ़ गया है और ये बहुत ही सुंदर लग रही है। इसी तरह हम ये दूसरे वाला पीस भी इस साइड जॉइंट कर लेंगे। ये हमने दोनों साइड जैकेट को सेट कर लिया है और देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। अब हम अपना बैक पीस लेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। अभी ये हमने 22 ग्रेन की पट्टी कट की है, इसको डबल करेंगे और नेक पर सेट कर देंगे। और इस तरह हमने ये अपना नेक तैयार कर लिया है। ये पाइपिंग भी यहाँ पर बहुत सुंदर लग रही है क्योंकि ये यहाँ से इसकी मैचिंग हो गई है।
और जो ये हमारी जगह बची है, आप चाहे तो यहाँ पर बटन्स लगा सकते हैं 3 या 4, तो ये और भी प्यारा लगेगा। अब हम इसके घेर ज्वाइंट करेंगे। ये हमारे घेर बिल्कुल परफेक्ट आए हैं। इसी तरह हम बैक पीस में जॉइंट कर लेंगे घेर अपने। इस तरह हमने दोनों साइड के घेर जॉइंट कर लिए हैं। अब हम इसमें आर्म होल में पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग हमें कैसे लगानी है, ये जो हमारा फ्रंट पोर्शन है यहाँ पर हम ये येलो कलर लगाएंगे, और जो बैक का पोर्शन है यहाँ पर हम ये प्रिंटेड लगाएंगे। ये हमने हाफ ये लिया है। जब हमने ये जॉइंट किया तो ये नीचे वाली पट्टी को हमने फोल्ड किया और फिर जो ये वाली बची थी इसके ऊपर रख दी है, तो ये हमारी आसानी से फोल्ड हो जाएगी। इसको ऊपर की साइड रखेंगे और पाइपिंग को ऐसे रखेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे तैयार कर लिए। इसी तरह हम इस साइड भी पाइपिंग अपनी सेट कर लेंगे। इस तरह हमने दोनों साइड अपनी पाइपिंग लगा ली है। अब इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। इसको इस तरह पलट लेंगे। और इसको यहाँ पर सेट करेंगे। और जहाँ पर हमने ये कट लगाया था वहाँ पर सिलाई लगा देंगे।